रायबरेली में भयंकर तूफान के बीच आग के तांडव ने ऐसा कहर बरसाया कि लगभग आधा दर्जन घरों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। लपटों की रोशनी से आसमान लाल हो उठा। चीख पुकार व भगदड़ के बीच दैत्याकार लपटों पर काबू करने का प्रयास देर रात तक चलता रहा, क्योंकि तेज हवाएं आग को जबरदस्त सह दे रही थी। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग को बुझाया। जनपद के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पिलखा गांव में रविवार की शाम आग का रौद्र रूप देखने को मिला। भीषण आंधी तूफान के बीच गैस सिलेंडर से लगी आग ने लगभग आधा दर्जन घरों को अपनी आगोश में लेते हुए सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। देखते ही देखते गांव के आसपास के लगभग आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लोग अपने बच्चों और परिजनों के साथ गांव के बाहर भागने लगे। इस दौरान ग्रामीणों ने खुद अपने आशियानों को बचाने के लिए आग पर काबू करने का प्रयास किया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने विकराल लपटों पर नियंत्रण का प्रयास शुरू किया और आग पर काबू पाया गया। रायबरेली ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट।